उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में संचालित होने वाले पाटीदार हॉस्पिटल में रविवार को गंभीर आग लगी थी। इसमें चार मरीज झुलस गए थे आग में, जिनमें दो गंभीर मरीजों का इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था, जहां एक महिला मरीज की मौत हो गई है। परिवार के सदस्यों में आक्रोश है और नाराजगी जताई है। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में संचालित होने वाले पाटीदार हॉस्पिटल में रविवार के दिन भीषण आग लग गई, जिसमें अफरा तफरी मच गई थी और काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। आग में चार मरीज झुलस गए थे, जिनमें दो मरीजों का गंभीर हालत में उपचार इंदौर में चल रहा था, जहां एक महिला मरीज की इंदौर में उपचार के दौरान मौत हो गई। जैसे ही मौत की सूचना परिवार के सदस्यों को लगी, वैसे ही परिवार शोक में डूब गया और जमकर नारेबाजी देखी गई। साथ ही मांग कर रहे हैं कि पाटीदार हॉस्पिटल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाए। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, साथ ही भारी लापरवाही रही जो इतनी बड़ी आगजनी की घटना घटित हुई। फिलहाल माधवनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।